मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि जब आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहां पे हमें सर्टिफिकेट मिलता है, कंपनी वगैरह भी आती है जो प्लेसमेंट वगैरह भी देती है। आपको मैं पूरा इसका सच्चाई बताऊंगा कि क्या ये सच है कि आप इंस्टीट्यूट में जब जाते हो तो जो आपका जो कागज का जो सर्टिफिकेट का टुकड़ा है वो उससे आपको जॉब मिलता है एडमिशन की दुनिया में, या फिर कुछ अलग बात है। पूरा मैं इसी टॉपिक पे ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी क्रिएट करते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड स्टोरी, तो ये वाला चैनल जो है लर्नमेशन हिंदी, साउथ एशिया में हम सभी को ये कहते हैं कि हमारा कंटेंट दूसरों के साथ देखो कि हमारा कंटेंट कितना बेस्ट है। हम रेगुलर यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, एक एक वीडियो फ्री में देते हैं। जितने भी हमारे जो यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि व्यूज ज्यादा है या फिर 1 घंटे की वीडियो डालना है, आधा घंटे की वीडियो डालना है। वीडियो का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है वो हम पूरा अपलोड करते हैं, 1 घंटा हो या आधा घंटा। खैर अपने टॉपिक पे आते गाइज, आज का टॉपिक ये है कि जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कॉमेंट किया कि ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये सर्टिफिकेट वगैरह देता है। पहली बात गाइज, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको विराट कोहली बनाऊंगा, आपको मैं एक कागज दूंगा और वो कागज से आप सीधा वर्ल्ड कप में खेलोगे, मानोगे मेरी बात? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सचिन के भी बेटे होंगे तब भी आप एक बड़े टीम के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अगर वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है तो वहां पे अपनी जगह नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपना गेम दिखाना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात? अगर नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप कभी भी कोई भी एडमिशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बोलूं कि मान के चलो, और दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कि मान के चलो आप बॉस हो और आपको एक राइम्स बनाने वाला, एक छोटा सा पोइम बनाने वाला एक एनिमेटर चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप मेरा डिग्री देखोगे या डिप्लोमा देखोगे या कागज देखोगे या फिर मेरा काम देखोगे? ऑफ कोर्स अगर आप 40,000 दे रहे हो तो आप काम देखोगे, क्योंकि गाइस एनिमेशन में जो दिखता है वो बिकता है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर्टिफिकेट मिलता है, वो तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, खाली टूल सिखाते हैं। टूल्स के सिखाने के मामले में वो आपको खाली 2 लाख 2 लाख मांगते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि पूरा गेम क्या है। जो 2 लाख 2 लाख है वो एक बॉस को जाता है, जो फ्रेंचाइजी उन्होंने खरीदी होती है वो बॉस को जाता है। पढ़ाने वाला सिर्फ 20-25 हजार वाला टीचर है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में जाके देखना, अबाउट इंस्टीट्यूट के ऊपर वो वीडियो पड़ा है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी कागज दिखाने से या कागज लेने से आप एनिमेटर नहीं बनोगे। एनिमेशन की दुनिया में अगर आपको एनिमेटर बनना है या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो काम दिखाना पड़ता है, सामने वाला क्लाइंट को काम दिखाना पड़ता है, कंपनी को काम दिखाना पड़ता है। जब आप जॉब में भी जाते हो तो वहां पे आपका काम देखते हैं। तो ये क्लियर है कि जो ये सर्टिफिकेट वाला मामला है ना, कागज वाला मामला, ये बिल्कुल ही फेक है। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करिए। अगर करना ही है तो सबसे पहले वहां पे जाके टीचर को बोलिए, जैसे लॉरमेशन का कोई ट्यूटोरियल उठाइए, हाउ टू डिगिंग एनिमेशन, या फिर कुछ और उठाइए, बर्ड एनिमेशन उठाइए, एनिमल एनिमेशन उठाइए, तो उनको बोलिए ये काम करके दिखाओ। उनको ये पुराना काम मत देखो उनका, हो सकता है वो 6 साल में उन्होंने किया, 6 महीने में उन्होंने वो काम किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ी बड़ी बातें करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक नाम है और नीचे कैसे बंदे बिठाए वो आपको पता ही है। अब आते दूसरा, जो उन्होंने नीचे जो लाइन में जो लिखा है वो ये लिखा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आती है और प्लेसमेंट लेती है, मतलब देती है। वो प्लेसमेंट देती है तो भाई एक बात बताओ आप कि जब आप वहां पे विराट कोहली है ही नहीं तो कैसे विराट कोहली को उठा के वो बड़े बड़े मैचों में जाके खेलने के लिए हायर करेंगे? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ज्यादा देखा जाता है ना, तभी बता रहा हूँ। तो अब गाइज ये ऐसा होता है कि जो वो आते हैं ना कंपनी में, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब इसमें कोई डाउट है कि नहीं आते या नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो ई लर्निंग टाइप की कंपनियां होती है, कॉपी पेस्ट टाइप की कंपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको लोगो और बैनर के बनाने के लिए हायर किया जाता है। अगर आपको करेक्टर डिजाइनर के लिए हायर किया जाता है तो मैं लिख के देता हूँ, ऐसी कोई कंपनी बताइए बताइए जो आपको करेक्टर डिजाइनर के लिए सीधा प्लेसमेंट देती है? नहीं दे पाती है। क्यों? करेक्टर डिजाइनर ऐसे नहीं बना जाता है, एक्सपीरियंस चाहिए, काम देखना पड़ता है। अगर आपको मान के चलो एक छोटा सा छोटा बीम भी आपको डिजाइन करना है तो वो डिजाइनर को कोई इंस्टीट्यूट से नहीं उठाया गया है, वो प्रैक्टिकली धीरे धीरे अच्छा डिजाइनर बना है। तो जो भी वहां से प्लेसमेंट करते हैं ना वो सारे कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। हालांकि उनका सैलरी पहले 15,000 होता है, 20,000 होता है, पर उसके बाद इंक्रीमेंट उनका थोड़ा थोड़ा होता है। कॉपी पेस्ट मतलब जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना तो वहां पे क्या करते हैं, आप पहले पहचान सकते हो कि वो कैसे कॉपी पेस्ट वाला कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जॉब का ऑफर करता हूँ तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपको फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, इन डिजाइन और या फिर माया, मैक सब आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो आपका जॉब है वो ई लर्निंग टाइप का जॉब है, यानी कि आपको खुद नहीं पता आप विराट कोहली बनना चाहते हो आप, या फिर आप हॉकी के प्लेयर बनना चाहते हो या फुटबॉल के, कुछ भी करवाया जा सकता है आपसे। इससे क्या होता है, आपका एक प्रोफाइल नहीं बनता, आप एक स्ट्रांग आदमी नहीं बन पाते एनिमेशन की दुनिया में। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होता है वो अलग होता है, एक एनिमेटर अलग होता है। आज अगर मैं 12 साल में 2D एनिमेशन में हूं तो मैं 2D एनिमेशन में बिल्कुल ही मास्टर बन चुका हूं।
तो अगर मेरे दोस्तों को देखेंगे वो मोशन ग्राफिक में 12 साल से 15 साल से मोशन ग्राफिक में, तो मोशन ग्राफिक में मास्टर बन चुके हैं। इसका मतलब ये तो ही है कि वो आफ्टर इफेक्ट छोड़ के फोटोशॉप में आगे, या फिर आफ्टर इफेक्ट छोड़ के एनिमेट पे आगे, या आफ्टर इफेक्ट छोड़ के माया में आगे। तो वही बात है गाइज कि जब कोई कंपनी आती है वो ऐसे बंदे को उठाती है जो कॉपी पेस्ट वाले काम करते हैं, तो वो प्लेसमेंट के नाम पे आपको धोखा देता है। बाद में आपको समझ आता है यार एडमिशन में तो पैसा नहीं है। पता लग रहा आप लोगो बैनर बनाने वाले ग्राफिक डिजाइनर हो, कैसे पैसा बढ़ेगा? इसमें तो खाली 20,000 सैलरी रहता है, 25,000 सैलरी रहता है। लेकिन अगर आप करेक्टर डिजाइनर हो तो ऑफकोर्स आपका सैलरी 80,000-90,000 तक जाता है गेमिंग कंपनी में, और भी बहुत सारी कंपनी है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो करेक्टर डिजाइन होता है वो सिर्फ ड्रॉइंग, जिसकी ड्रॉइंग अच्छी होती है वही बना सकता है, और जो लोगो बैनर होता है वो कोई भी बना सकता है। तो यही बात होता है, जो प्लेसमेंट वाले होते हैं वो कॉपी पेस्ट वाली कंपनी होती है, ई लर्निंग कंपनी होती है, वहां पे आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तभी मैं कहता हूं कि जो ये सारे इंस्टीट्यूट खाली टूल सिखाते हैं, टूल सिखाने के आपको 2.5-3 लाख लेते हैं। पहली बात है, 10 सॉफ्टवेयर सीखने की क्या जरूरत है? जब आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट खेलोगे ना, हॉकी खेलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर एनिमेटर बनना है तो एडोब एनिमेट या टोन बूम पकड़ो, अगर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो आफ्टर इफेक्ट पकड़ो, या और साथ में आप इलस्ट्रेटर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि उसके जो ग्राफिक वगैरह वो यूज होते हैं आफ्टर इफेक्ट में। वैसे ही अगर आपको 3D एनिमेटर बनना है तो माया पकड़ सकते हो, मॉडलिंग के लिए भी माया पकड़ सकते हो। वैसे ही अगर ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या फिर एडोब एनिमेट इसलिए सीखोगे ताकि वो ट्रेसिंग करना भी आपको आ जाए। और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट पकड़ने का जरूरत नहीं, अगर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन रहे हो। हर एक चीज का एक तरीका होता है, ये तो है कि कुछ भी बनो। ये तो ऐसा हो गया कि जब वो कहते हैं कि आपको सब सीखना चाहिए ताकि बाद में आपके काम आए। अब एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट में वीडियो खत्म ही करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, इतना तो क्लियर हो चुका है ना। पहली बात कि काम, जब भी आप कोई सर्टिफिकेट दिखाओगे तो काम नहीं मिलेगा, आपको काम दिखाना पड़ेगा, जो दिखता वो बिकता है, ठीक है, तभी जॉब मिलेगा। पहले टेस्ट होता है तब जाके ही आपको जॉब मिलता है। दूसरा, जो वो प्लेसमेंट की वाली कंपनी होती है वो सारी कॉपी पेस्ट वाली कंपनी होती है, जहां पे आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, आप कुछ सीख ही नहीं पाते हो, आप 15,000 से 15,000 में फंस जाते हो, और दूसरा कंपनी आपको काम नहीं देता है। और एक्सपीरियंस खाली कागज में नहीं होना चाहिए एडमिशन की दुनिया में, एक्सपीरियंस काम में होता है। अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस भी होगा और मेरे पास आओगे, मैं कागज नहीं देखूंगा, मैं आपका काम देखूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि अभी आप जैसे आगे आगे एनिमेशन सीखते हो, एनिमेशन में आप आगे बढ़ते हो, जब आप कोई भी कार्टून स्टोरी बनाना शुरू करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि एकदम से आप ऊपर नहीं जाते हो एनिमेशन की दुनिया में, आप धीरे 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 ऊपर जाते हो। बाकी गाइस, मैंने पहले भी कहा कि दो तरह के एनिमेटर रहते हैं, एक ट्रेडिशनल एनिमेटर रहते हैं जो फ्रेम बाय फ्रेम काम करते हैं, एक वेक्टर एनिमेटर रहते हैं जो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बहुत अच्छा देते हैं। वेक्टर एनिमेशन मतलब जहां पे ट्रेसिंग होता है, रिग होता है, एनिमेशन होता है। तो मोस्टली जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं वो वेक्टर एनिमेशन ही करते हैं, क्योंकि इसमें बिना ड्राइंग के भी एनिमेशन हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर से आप ग्राफिक को खरीद कर अपना एनिमेशन करना शुरू कर सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, जितने भी साउथ एशिया के इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे स्कैम करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप मेरा एक ट्यूटोरियल उठा के वहां पे जाओ, उनको कहो बना के दिखाओ। सारे के सारे, मतलब समझ रहे हो, ऊपर ब्रांड चल रहा है, नीचे कौन से आदमी बिठाए आपको पता है, सारा फ्रेंचाइजी सिस्टम चल रहा है, नाम बिक रहा है, नीचे बस ऐसे आदमी बिठा के रखे, आपका 2.5-2 लाख सारा वेस्ट। इंस्टीट्यूट में जब भी आप जाते हो तो ये लोग क्या कहते हैं कि पहले आपको सारा चीज सीखना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा आपको बनना क्या है, यानी कि आपको पहले 2D 3D सब सीखना चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप प्लेयर बनने जा रहे हो, आपको क्रिकेटर बनना है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्रिकेट भी खेलना है, हॉकी भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है, और 3 साल में तीनों गेम खेलो, फिर लास्ट में डिसाइड करो क्या बनना है। ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल ही खेलिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट ही खेलिए, हॉकी खेलना है तो हॉकी ही खेलिए, जो प्लेयर बनना है वो खेलो। ऐसा तो ही होता है कि 2D में आप करेक्टर एनिमेशन भी सीख रहे हो, और 2D में आप मोशन ग्राफिक भी सीख रहे हो, 3D में आप मॉडलिंग भी सीख रहे हो और एनिमेशन भी सीख रहे हो, और लास्ट में जाके 3 साल के बाद सोच रहे हो अरे भाई मेरे को तो अब 3D एनिमेटर बनना है। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये लोग सारे स्कैम में फंसाते हैं। एक्चुअली में टेबल के उस साइड बैठने वाला जो इंस्टीट्यूट में होता है वो 15-20 हज़ार वाला होता है, जो आपके 2.5 लाख है वो सीधा बॉस के जेब में जाता है। इसलिए कहता हूं साउथ एशिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, किसी भी इंस्टीट्यूट में मत जाइए, टोटली स्कैम है। अगर आपको ट्रस्ट फिर भी नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, हो सकता है मैं अपने नंबर बढ़ा रहा हूं, हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, मेरा एक ट्यूटोरियल उठाइए या मेरा एक मॉडल शीट का वीडियो उठाइए, जाके उन इंस्टीट्यूट वालों को कहिए कि बनाओ। अगर वो बना सकते हैं आधा घंटे में तो समझो वो बिल्कुल सही इंस्टीट्यूट है। गाइस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो जो 2.5 लाख है वो अपने टीचर को अच्छा सैलरी नहीं देते हैं, वो कमाने के लिए बैठे हैं, जो उसको वहाँ का बॉस है, तो वो अपने टीचर को 20,000 या 25,000 देता है, बदले में उससे 2-3 सॉफ्टवेयर का काम करवा देता है। अगर वो अपने टीचर को 60,000 सैलरी देना तो समझ लो सारा प्रॉब्लम खत्म। फिर जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि एनिमेशन
आप इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो। फिर मैं जानता हूं वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जितने भी बिजनेस करने वाले हैं इनको एजुकेशन से स्किल से कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल आपको ये समझ सकते हो, लूटने वाला गेम है सिर्फ। उम्मीद है गाइस आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े कमेंट किए, मैंने उसके नीचे रिप्लाई भी किया, आपको बताया कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे फ्री होऊंगा ऐसा इस टाइप का वीडियो बनाते रहूंगा। बाकी गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।